जो आया बिना मास्क का मतलब चिट्ठा बनाइए, तो बोले कि बिना मास्क का चिट्ठा नहीं बनाते हैं, सर का आदेश है तो आप मास्क पहन के आइए फिर चिट्ठा बनाइए। तो वो अभद्र व्यवहार करने लगा, गाली गलौज करने लगा पूरा। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के साथ हो रही है साजिश। जी हाँ, मैं जिस शख्स के विषय में बोलना चाह रहा हूँ, जिस शख्स के विषय में बात करना चाह रहा हूँ, वो शख्स इस कोरोना काल में कितना महत्वपूर्ण है आम पब्लिक के लिए, कितना महत्वपूर्ण है लोगों की जिंदगी के लिए, ये जानना बहुत ही आवश्यक। हम बात करने जा रहे हैं गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखंड के रेफरल अस्पताल के डॉक्टर विवेकानंद के विषय। डॉक्टर विवेकानंद के साथ जो वहाँ के लोकल मीडिया, लोकल पब्लिक उनके साथ जो व्यवहार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन डॉक्टर ने, जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपने जान को जोखिम में डालकर पूरे प्रखंड के व्यक्ति नागरिकों के लिए सुख दुख में और इस कोरोना काल में बिना कोई भेदभाव किए दिन रात एक कर खड़ा रहा, उन्हें आज साजिश के तहत बदनाम करता है। वो डॉक्टर्स, डॉक्टर विवेकानंद का यूं ही ऐसा नाम है कि उन्होंने पूरे जिले में कहें या पूरे संथाल परगना में बेस्ट कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड भी उन्हें मिला। ये अवार्ड उन्हें जिला के चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर पूरे संथाल परगना के सीनियर पदाधिकारी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनके कार्यों को देखकर जिला प्रशासन, आम पब्लिक इतने खुश हैं कि कहने का बात नहीं। अस्पताल के तमाम पदाधिकारी उनके कार्यों से हर समय खुश रहते हैं, कहते हैं कि इनके जैसा डॉक्टर तो मैंने जिला में कभी देखा ही नहीं, पूरे राज्य में नहीं देखा। जिन डॉक्टर्स ने, डॉक्टर विवेकानंद ने अपने पैसे से लोगों को करीब 3 से 4 हज़ार मास्क बांटे, अपने पैसे से सैनिटाइजर खरीद कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोग अगर हॉस्पिटल में जाने के बाद ये कहते थे कि मेरे पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, उन मरीज को, उन लोगों को वो अपने पैसे से, अगर हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध नहीं रहती थी किसी कारणवश, तो अपने पैसे से दवाई खरीद कर भी वो देने का काम करते। और उन डॉक्टर्स को ऐसे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वहाँ के आम पब्लिक और कुछ मीडिया के तंत्र के भी लोग कि उनका छवि और उनके नाम को ऐसे उछाल कर लगता है उन्हें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जनता उनके साथ है, हॉस्पिटल के स्वास्थ्यकर्मी उनके साथ हैं, जिला चिकित्सा पदाधिकारी उनके साथ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अभी तक थोड़ा सा अपने आप में राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और बात करें वहाँ के आम जन, दूसरे प्रखंड के, कहीं और के भी अगर मरीज उनके अस्पताल में जाते हैं, उन्हें वो बिना भेदभाव के देखते हैं। ऐसी वाकया हुआ 2-1 हफ्ता पहले उनके हॉस्पिटल में एक मरीज बिना मास्क के आए, उन्हें अगर उन्होंने मास्क लगाने के लिए कह दिया तो वहाँ के कुछ लोग उनसे ऐसे लड़ पड़े कि लग रहा मानो वहाँ पहाड़ टूट गया, और उस एक मास्क को लेकर इतने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया जिनका कोई मतलब नहीं था। और डॉक्टर विवेकानंद से या हॉस्पिटल से अवैध वागई का एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र होता है, रचा जाता है, जो कि वहाँ से संभव नहीं। या कभी कोई ओटी रूम में घुस जाते हैं, फोटो खींचते हैं, कभी कोई हॉस्पिटल में जाके फोटो खींचते हैं, ये कहाँ का मीडिया है और ये कहाँ का न्याय है, और उस डॉक्टर के साथ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि अब लोगों, उनके जिला प्रशासन की मदद से उनको अब ना कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिला प्रशासन और तमाम मीडिया, जिले के सभी मीडिया उनके साथ हैं, कि क्योंकि एक कोरोना वॉरियर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उन्हें हम मीडिया के लोग और तमाम उनके पदाधिकारीगण जो सीनियर लेवल के हैं उनको मदद करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे उस हॉस्पिटल में। धन्यवाद।